अल्हम्दुलिल्लाह देखें दाल लोबिया फ्राई पाकिस्तानी स्टाइल से बिल्कुल तैयार है। लुक देखें आप, खुशबू देखें माशाल्लाह। ये देखते हैं कितनी मज़ेदार दाल लोबिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये प्यारी सी रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आइए प्यारी सी रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, लगभग सब दोस्तों को खुश रखें। जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज दाल लोबिया पाकिस्तानी स्टाइल से फ्राई करेंगे। हाफ के जी इसको हमने 3 से 4 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था, अभी 20-25 मिनट बॉयल किया और अच्छी तरह दाल लोबिया तैयार है। इसको मज़ीद 5-10 मिनट के लिए रखेंगे। इतनी देर में हम इधर टमाटर प्याज 4 पीस प्याज लिए मीडियम साइज की, इसको बारीक स्लाइस करके काट लेंगे। दाल लोबिया जब भी बनाए इसको पहले अच्छी तरह पानी में 3-4 घंटे भिगो, कोई भी दाल बनाए उसको भिगो के रखें तो अच्छी जल्दी भी गल जाती है और थोड़ी फूल जाती है, मोटी हो जाती है। इसको इलादा उबाल लिया और अभी प्याज कटिंग करेंगे, मसाले का सामान प्याज टमाटर। कटिंग हो गया, 3 पीस टमाटर लिए, टमाटर की गुठली पहले साफ करेंगे अच्छी तरह। इस तरह बारीक बारीक करके काट लिया टमाटर भी, यहाँ पे आके अभी ग्रीन चिल्ली उसको अंदर से अच्छी तरह काट के देख लिया करें, ज़्यादा मिर्च अंदर से ख़राब होती है, कीड़ा लग जाता है इसको ज़्यादा पुराने वाले।
कभी भी ले आए इसको अच्छी तरह धोएं, एक बार अंदर से काट के देख लें, उसके बाद काटेंगे छोटी छोटी। मिर्च भी काट लिया, 3 से 4 मिर्च साबुत रखे थे, इसको बीच में लास्ट में एक कट करके लास्ट में डाल दिया। पीछे कटे दोबारा दाल और अल्हम्दुलिल्लाह भी दाल अच्छी तरह गल गई है। इसको बर्तन में शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी 1 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि दाल में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हो गया गर्म, अभी प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। ऐसे प्याज करके आपकी मदद से थोड़े मल लें तो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ऑयल हो प्याज ब्राउन, प्याज के साथ लहसुन और अदरक का पेस्ट, दाल है अभी इसमें ज़्यादा जाएगा, तकरीबन 2 चम्मच, इसे 2 मिनट प्याज के साथ पकाएंगे। अदरक और लहसुन अच्छी तरह हो गई, फ्राई की खुशबू आ रही है। यहाँ पे आके टमाटर और ग्रीन चिली, इसको 2 मिनट के लिए कवर लगाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। डाल दें कवर, हटाएंगे अभी देखते हैं अच्छी तरह टमाटर डाल गए। यहाँ पे आके मसाले, साबुत गरम मसाला कूटा हुआ 1 चम्मच, आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी बॉईल करने के टाइम डाला था, काली मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच और हल्दी। यहाँ पे आके इसकी अच्छी तरह 4 से 5 मिनट बनाई करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे टमाटर भी मैश हो जाएं और मसाला नीचे भी ना लगे। अभी मसाला थोड़ा नीचे लग रहा है, यहाँ पे आके वही दाल वाला बॉयल किया वो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और पकाएंगे। मसाला भी तैयार है, ये जो 4 मिर्च रखे थे इसके अंदर कट करके डाल देंगे।
भी तैयार है। बारी किया हुआ दाल लोबिया इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। चम्मच चलाते रहेंगे उसके नीचे न डालें। अभी अच्छी तरह ऑयल हो गया ऊपर, एक गिलास जो इसका बचा हुआ पानी है वही डालेंगे। इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। भी आ गई कसूरी मेथी खुशबू के लिए, फूटा हुआ गरम मसाला, कवर आग बिल्कुल स्लो 5 मिनट के लिए।